हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं दीपक समल और मेरे पास आया था रेडमी का नोट 4, जिसमें था आपका डिस्प्ले लाइट का इशू। तो देखिए, अभी जो इशू है वो अभी सॉल्व हो चुका है। अब थोड़ा आपको दिखा देता हूं सेट को ऑन करके। ठीक है, देखिए अभी डिस्प्ले लाइट जो है अभी आ चुका है, सेट पूरा अभी ओके हो चुका है। तो अगर आपके पास ऐसे प्रॉब्लम आए तो आपको क्या क्या करना है, देखिए इस वीडियो में बने रहिए, मैं आपको दिखाता हूँ। थोड़ा थोड़ा सेट को ऑन होने दीजिए। ठीक है, तो उसको ऑन होने दीजिए। देखिए आपको क्या करना है, पहले आपको देखिए, पहले आपको देखिए जो डिस्प्ले कनेक्टर है ना, ये आपका रहेगा डिस्प्ले का कनेक्टर। तो यहाँ से आपको इस साइड से ये चारों ट्रैक को चेक करना है। इस साइड से पहले वाला को छोड़ देना है, उसके पास से चारों ट्रैक को चेक करना है। देखिए सब में आपको कंटिन्यू आना चाहिए, ठीक है, चारों ट्रैक में आपको कंटिन्यू आना चाहिए। अगर आपका यहाँ पर चारों ट्रैक में कंटिन्यू आ रहा है और आपका कॉम्बो भी ओके है, ठीक है, शायद इसमें चार्ज नहीं है। तो देखिए अगर आपका कॉम्बो भी ओके है तो आपको क्या करना है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कॉइल को चेंज किया मैं, ये डायोड को चेंज किया और ये दो कैपेसिटर को, ये चारों चेंज चीज़ को मैं एक साथ ही चेंज कर लिया। इसको चेंज करने में आपका काम बन जाएगा, ठीक है, ये कॉइल, ये डायोड और ये दो कैपेसिटर आपको आराम से करना है, क्योंकि ये एक आईसी है और उसके पास ये भी एक आईसी है। तो आपको इसके ऊपर पूरा कवर पर लगाकर आपको आराम से ये चारों चीज़ को चेंज करना है, तो आपका डिस्प्ले लाइट सक्सेसफुल सॉल्व हो जाएगा। ओके दोस्तों, थैंक यू वॉचिंग वीडियो, थैंक यू।